बिहार का खनन विभाग मतलब चोर विभाग, पूरे तरीके से खनन विभाग में चोर लोग भरे हुए हैं। पप्पू यादव यह तमाम बातें जो है मोतिहारी पहुंच कर कह रहे हैं। बता दें आपको कि बीते दिनों मोतिहारी में चिमनी ब्लास्ट हुआ था, जिसमें कई लोग की मृत्यु हो गई थी, जिसको देखते हुए पप्पू यादव तमाम लोगों के परिजनों से मिलने पहुंचे हैं। तो वहीं मुआवजे की मांग की है पप्पू यादव ने। पप्पू यादव ने यह साफ कहा है कि बिहार का जो खनन विभाग है पूरे तरीके से भ्रष्ट अधिकारी इसमें बैठे हैं, तो वहीं यह चोर विभाग है। वहीं जिस तरीके से बीते दिनों चिमनी ब्लास्ट हुआ था, इसको लेकर अकाल मौत मारे गए थे लोग, तो जिसको देखते हुए पप्पू यादव जो है घटनास्थल का जायजा लेने पहुंचे हैं। तो वहीं तमाम लोगों के परिजनों से मिले हैं। वहीं मुआवजा देने की बात कही है पप्पू यादव ने। पप्पू यादव ने यह साफ कहा है कि बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बात है इस तरीके का घटना बिहार में होना है। तो वहीं सरकार को इस दुर्घटना में क्षति के लिए भट्टा मालिक को मुआवजा देना चाहिए। तो वहीं पप्पू यादव ने यह साफ कहा है कि तत्काल हमने आर्थिक मदद किया, लेकिन देखा जाए तो बहुत सारे जो मजदूर हैं वो मजदूरी करते हैं, लेकिन उनका जो है मृत्यु हो जाता है। सरकार इस पर ध्यान नहीं देती है, इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। तो वहीं पप्पू यादव ने बिहार के खनन विभाग को चोर विभाग बता दिया है। उनका साफ कहना है कि बिहार का खनन विभाग मतलब चोर विभाग, जिस तरीके से खनन विभाग है बिहार का, उसमें पूरे तरीके से भ्रष्ट अधिकारी बैठे हुए हैं, भ्रष्टाचार चरम पर है। तो वहीं पप्पू यादव क्या कुछ कह रहे हैं मोतिहारी ब्लास्ट को लेकर चिमनी भट्टा पर पहुंचने के बाद, वो सुने आप लोग। कि कितने दिनों के पहले खनन विभाग ने इस भट्टे का जांच किया था? बिल्कुल, मीटर यहाँ है, क्षतिपूर्ति कितना मिलना चाहिए, और जो क्षतिपूर्ति हुई है भट्टा मालिकों की, उसकी पूरी क्षतिपूर्ति गवर्नमेंट को देना चाहिए। और मृतकों को कितना मिलना चाहिए? 4 लाख रुपया क्या है, कुछ है क्या भैया? एक व्यक्ति के लिए 40 लाख रुपया भी कुछ नहीं है। मैं आपको बहुत क्लियर आपको बता देना चाहता हूं कि किसी भी कीमत पर जांच इम्पोर्टेंट है। खनन विभाग का मतलब है चोर विभाग, आप इसको समझ लीजिए। और इस बिहार में बगैर और इस कंट्री में बगैर भ्रष्टाचार के ना तो कोई नेता सिंसियर है, ना तो सीरियस है, ना तो ईमानदार है। और जिस कंट्री में ईमानदारी नहीं चला गया तो बेठी, अब जांच के लोग 20 घंटा बीत जाता है उसके। रक्सौल में कैठो मर्डर हुआ, वहाँ आते हैं सर। एक सवाल ये छो बोल देना, जहाँ उनको 10-10 हजार रुपया गरीब आदमी को, हम ईटा भट्टा की बात नहीं कर रहे, मालिक की बात नहीं कर रहे, जो मजदूर हैं उनको तत्काल 10-10 हजार रुपया पार्टी की तरफ से देने की घोषणा अभी दिया जाए। बिहार में सर विकास की गति को कैसे चले गए, नहीं मिल रहा है। और ये बात सुनने में भी आया कि बहुत सारे लोग जो पहले कह रहे थे प्रशासन एक ही मरा, फिर आया तीन ही मरा, फिर आया दो ही मरा, अब धीरे धीरे जाकर के कह रहा है कि आज भी एक मरे तो अब हम 10 की संख्या में, 4 वहां 6 यहां, तो 6 4 10 हो गया, और 10 यदि कहीं पर जाकर के है तो और लोग कहां गायब हो गए। तो आपने सुन लिया जिस तरीके से बीते दिनों ईंट चिमनी भट्टा में ब्लास्ट हुआ था, जिसमें कई लोगों की मृत्यु हो गई थी, उसको देखते हुए पप्पू यादव मोतिहारी पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने बिहार सरकार पर जमकर हमला बोला है। वहीं उन्होंने यह साफ कहा है कि मोतिहारी में जिस तरीके से बीते दिनों घटना हुई थी, जिनके परिजन नहीं बचे, जिनकी मृत्यु हो गई, उनके परिजनों को जो है मुआवजा देना चाहिए सरकार को, तो वहीं आर्थिक मदद करनी चाहिए। पप्पू यादव क्या कुछ करते हैं आपने सुना है। अब देखने वाली बात यह होगी कि बिहार सरकार क्या कुछ करती है जिस तरीके से मोतिहारी ब्लास्ट हुआ था उसको लेकर। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत